जैसा कि हमें पता है कि दुनिया के जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, नॉर्थ अमेरिका एंड वेस्टर्न यूरोप, वहाँ से रूमेटिक हार्ट डिजीज पूरी तरह से ख़त्म हो गई है, लेकिन हमारे देश में और भी तमाम सार्क कंट्रीज़ में और जो डेवलपिंग नेशन हैं वहाँ पर अभी भी बहुत ज़्यादा रूमेटिक हार्ट डिजीज़ की प्रॉब्लम्स हैं। हमारे देश में न जाने कितने बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं 10 साल 12 साल 15 साल की, जिनको कि ये रूमेटिक हार्ट डिजीज होती है, जिसकी वजह से जो हार्ट के वाल्व्स हैं और ख़ास करके माइट्रल वाल्व सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, एओर्टिक इन्वॉल्व होता है, दोनों वाल्व इन्वॉल्व होते हैं। यदि हम वक्त रहते इस बीमारी को पता कर सके तो हम हार्ट के वाल्व को बिना रिप्लेस किए उनको रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी यह है कि ऐसे मरीजों को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए बिना हार्ट में ज़्यादा डैमेज हुए, वो डॉक्टर के पास आ सके और इनका इलाज हो सके। नॉर्मली ये पेशेंट्स जब हमारे पास आते हैं तो ज़्यादातर बहुत देर से आते हैं, जहाँ पर कि कैल्सिफिकेशन हो जाता है, हार्ट बड़ा वीक हो जाता है, तब हमारे पास एक ही रास्ता बचता है कि हम इनको रिप्लेस करें। वाल्व्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता मैकेनिकल वाल्व जो कि सारी ज़िंदगी चलता है, दूसरे होते हैं टिश्यू वाल्व जिनकी कि लाइफ करीब 15 से 20 साल होती है। माना यह जाता है कि जो ये मैकेनिकल वाल्व हैं, यदि ये प्रस्थापित किए जाते हैं हार्ट के अंदर तो सारी ज़िंदगी ब्लड थिनर लेना पड़ता है। अब ये जो ब्लड थिनर हैं उनका जो काम ये है कि ब्लड को पतला रखा जाए, जिसकी वजह से कभी कभी यदि डोज ज़्यादा हो जाती है तो ब्रेन में ब्लीडिंग होती है, शरीर में पैरालिसिस हो जाती है। यदि डोज कम हो जाती है तो ये मैकेनिकल वाल्व होते हैं क्लाट कर जाते हैं और इनको भी दोबारा भी बदलना पड़ता है। एडवांटेज इनका है ये कि सारी ज़िंदगी चलते हैं। दूसरे जो वाल्व होते हैं, जो टिश्यू वाल्व होते हैं, उनमें ब्लड थिनर की ज़रूरत तो नहीं होती, लेकिन ये जल्दी ख़राब होते हैं 10 साल 15 साल 20 साल में। और ये भी देखा गया है कि यदि ये यंगर एज में लगाए जाएँ तो ये ज़्यादा नहीं चलते, यदि कोई व्यक्ति 60 साल का है उसमें लगाएँ तो 15 से 20 साल चल जाते हैं। इसलिए सबसे बेहतर ये होता है कि मरीज उस स्थिति में आए जहाँ पर हम उसके वाल्व को रिपेयर कर सकें। ये सबको पता है कि अपना स्वयं का वाल्व बेस्ट है और उसको जितना हो सके कोशिश उसको प्रिजर्व करना चाहिए, लेकिन यदि वो मरीज़ बड़ी देरी से अपने पास आते हैं तो हमारे पास कोई और चारा नहीं होता, उसको हमें बदलना पड़ता है। अब वाल्व को किस तरह से बदल सकते हैं, इसके दो तरीके होते हैं। एक तो होता है कि कन्वेंशनल सर्जरी करी जाए, उसकी चेस्ट को खोला जाए बोन कट करके, उसके हार्ट को अरेस्ट करा जाए, वाल्व को निकाल करके उसकी जगह पर नया वाल्व लगाया जाए या कि रिपेयर किया जाए। जो दूसरी टेक्निक है जो कि हमने यहाँ मणिपाल हॉस्पिटल में डेवलप करी है, उसको आगे बढ़ा रहे हैं, उसको कहते हैं मिनिमल इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी। कभी कभी हम रोबोट भी इसके लिए यूज़ करते हैं, उसको हम कहेंगे रोबोटिक असिस्टेड हार्ट सर्जरी। इसमें हम बड़े छोटे कट से बिना बोन को कट किए हुए मिनिचराइज हार्ट लंग मशीन के द्वारा हार्ट को अरेस्ट करके वाल्व्स को या तो रिपेयर करते हैं यदि पॉसिबल है, या कि उसको रिप्लेस करते हैं। इसके एडवांटेज ये हैं कि कॉस्मेटिकली बहुत सुपीरियर होता है। जैसे फीमेल पेशेंट हैं उनमें हम ब्रेस्ट के नीचे 2 से 3 इंच का कट करके ऑपरेशन करते हैं और इवेंचुअली वो कोई स्कार दिखते नहीं क्योंकि वो हिडन हो जाता है ब्रेस्ट से। या कि एओर्टिक वाल्व है उसको हम सेकेंड स्पेस में जाते हैं और छोटे कट से उसका ऑपरेशन करते हैं, और बिकॉज ये ऑपरेशन छोटे कट से होता है तो इसमें ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स को यूज नहीं करते, रिकवरी बड़ी फास्ट होती है और हीलिंग अच्छी होने की वजह से पोस्ट ऑपरेटिव पेन कम होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 2 से 3 हफ्ते में मरीज वापस अपने काम में लग जाता है। तो इसके दो एडवांटेज होते हैं, एक तो व्यक्ति अपने काम में जल्दी लगता है जिससे कि वो उसकी अर्निंग जल्दी बढ़ जाती है, हॉस्पिटल में ज़्यादा रुकना नहीं पड़ता है, कॉस्मेटिकली अच्छी होती है, और ख़ास करके हमारी महिलाओं को बच्चियों को जिनमें ये बीमारी काफ़ी देखी गई है उनके लिए ये मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी एक बोन है।